नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शायद ही कोई दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं होता होगा लेकिन क्या आपने कभी सोचा है की वास्तव में कब से और ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण उन्होंने भारतीय राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली हाँ मुझे पता है कि आप कहेंगे कि 2002 के गुजरात के दंगे वहां से शुरुआत होती है मोदी जी की यात्रा ऐसे भी गुजरात राइट्स हाल ही सुर्खियों में थे मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल क्लीन चिट दे दी थी उसके बाद के डेवलपमेंट से भी आप अवगत हैं बीजेपी कैंप में उत्साह और साथ ही तीसरा सेतलवाद आर श्री कुमार और संजीव भट्ट की गिरफ्तारी लेकिन इन मुद्दों के बारे में मैं बात ना करके मैं उन चैप्टर्स पर फोकस करूंगा जो भुला दिए गए हैं या फिर यूं समझिए कि समझना बहुत ही जटिल है लेकिन एक डिस्क्लेमर फिर भी जरूरी है एंटायर सीरीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत वक्त लग जाएगा तो आज की बातचीत शुरू होगी दंगों के बाद से जब गुजरात में ऊपरी तौर पर शांति थी पर हरेक के सीने में जलन भी थी ये वो दौर था जब गुजरात सरकार केंद्र सरकार की मदद से राइट्स बड़े हुए कम्युनलाइजेशन और हिंदू कंसोलिडेशन को इलेक्टोरली भुनाना चाहते थे हालांकि ये रोका नहीं जा सका और बीजेपी ने अल्टीमेटली दोबारा चुनाव जीत लिया लेकिन उस दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को बरकरार रखा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी स्वायत्ता दर्शाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 2002 के सेकेंड हाफ में जो रोल था उसे आज के भारत में याद करना बहुत ही जरूरी है काश उस वक्त के ईसीआई के हेड्स की तरह आज के ऑफिशियल्स भी हिंदुस्तान में होते बात शुरू हुई थी 19 जुलाई 2002 को उस समय गुजरात के गवर्नर पूर्व भाजपा नेता सुंदर सिंह भंडारी ने मुख्यमंत्री के कहने पर स्टेट असेंबली डिसॉल्व कर दी राज्य में इतनी हिंसा और स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर के बावजूद उसके पहले साढ़े तीन महीने से स्टेट असेंबली कन्वीन नहीं हुई थी मोदी और भंडारी के असेंबली डिसोल्यूशन के रिकमेंडेशन और साथ साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस के पहले लास्ट अप्रैल तीन को हाउस की सिटिंग हुई थी उस दिन विपक्ष में बैठे कांग्रेस के मेंबर्स ने सरकार के फेलियर्स को उजागर किया था इसकी वजह से सात कांग्रेस एम को सस्पेंड किया गया था बैकग्राउंड के तौर पर यह बहुत बताना जरूरी है कि गुजरात का टेंथ विधानसभा मार्च 1998 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और उसका टर्म 18 मार्च 2003 को खत्म होना वो तय था प्रीमेच्योर रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली की क्या जरूरत थी क्या गवर्नर ने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल किए थे इस मुद्दे पर क्या सरकार की मेजोरिटी खतरे में थी क्या किसी पॉलिसी इशू पर सरकार के खिलाफ विपक्ष कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती थी क्या पार्टी के अंदर मोदी के राइट्स की हैंडलिंग को लेकर डिसिडेंस था इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक शब्द था नहीं कोई ये कारण नहीं थे लेकिन इससे एक और जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सब जानते हैं कि मोदी जी वन नेशन वन पोल कैंपेन के स्पीयर हेड हैं शेड्यूल के मुताबिक गुजरात विधानसभा का टर्म 18 मार्च 2003 को खत्म होना तय था उसके साथ कुछ दिन आगे पीछे हिमाचल प्रदेश मेघालय नागालैंड और त्रिपुरा के हाउसेस के भी टर्म्स खत्म हो रहे थे इन सभी राज्यों के लिए चुनाव 26 फरवरी 2003 को सामान्य कार्यक्रम के अनुसार मतदान हुआ था लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले अलग चुनाव क्यों करवाए क्या उन्हें जल्दी चुनावों से लाभ की उम्मीद थी भाजपा और गुजरात सरकार का कैलकुलेशन था कि हाउस भंग होते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगी उनका अनुमान था कि संविधान के आर्टिकल 174 सेवेंटी फोर ब्रैकेट वन के तहत चुनाव आयोग 3 अप्रैल 2002 को गुजरात विधानसभा की अंतिम बैठक के तारीख के ठीक छह महीने के समाप्ति के पहले चुनाव पूरा करने के लिए बाध्य था यानी अक्टूबर 6 2002 क्योंकि 6 अप्रैल को हाउस को प्रोरोग किया गया था इलेक्शन कमीशन ने लेकिन कोई जल्दी नहीं दिखाई और भाजपा के एक्शन से प्रेशराइज नहीं हुई जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक में जूनियर ऑफिशियल्स पहले गुजरात गए और उसके बाद फुल कमीशन तीनों सदस्य गुजरात का दौरा किया ये जानने के लिए क्या स्थिति चुनाव कराने लायक हो चुकी थी या फिर तनाव और भय का माहौल अभी भी था 16 अगस्त को आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया स्पष्ट लिखा था द कमीशन हैड बीन प्लानिंग टू होल्ड द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इन द स्टेट इन द अर्ली पार्ट ऑफ दर टू थाउजेंड थ्री अलोंग विद इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश मेघालय नागालैंड एंड त्रिपुरा प्रेस विज्ञप्ति में आगे नोट किया गया था कमीशन के पास सबमिशंस आए थे देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन ऑन पार्ट ऑफ द इलेक्शन टू थाउजेंड टू द सबिशन फर्दर से प्रोविजन ऑफ आर्टिकल फोर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच है बीजेपी

parliament and state legislatures on the election commission. Age likha tha, elections in the context of democratic institutions mean free and fair elections and not merely a ritual to be gone through periodically. Chunao Ayogne ne Supreme Court ke ek purane judgment ko bhi quote kia. Our constitution makers thought that

the wounds of the communal divide following the riots have not yet healed. the slow progress in relief and rehabilitation work on the one hand and the non-arrest and non-punishment of the guilty on the other have hampered the process of normalcy returning. chennai ka anthem assessment after a careful examination एंड एनालिस ऑफ द सिचुएशन इन गुजरात द फुल कमीशन हैजैनिमसली कंक्लूडेड इट इज प्रेजेंटली नॉट इन अपोजिशन टू कंडक्ट अंड फेयर इलेक्शन इन द स्टेट इलेक्टोरल रोल्स में करेक्शन और अपडेशन के बाद चुनाव हो सकते हैं नवंबर डिसंबर दो हजार दो में आयोग ने यह बात कही जैसे सब जानते हैं दंगों के बाद बहुत बेघर हो जाते हैं और फिर शिफ्ट कर जाते हैं इसीलिए नए रोल्स की जरूरत थी इस समय तक मोदी जी ने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया था एक सभा में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे एम लिंगदो को मौक किया कुछ पत्रकारों ने मुझसे हाल ही में पूछा जेम्स माइकल लिंगडो इटली से आए हैं क्या मोदी ने मजाक किया उनका पूरा नाम लिया ताकि उनकी क्रिश्चियन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो सके कुछ और आपत्तिजनक बातें कही अंत में मुख्यमंत्री बोले तब पत्रकारों ने पूछा कि क्या लिंगडो और सोनिया चर्च में मिलते हैं मैंने जवाब दिया शायद मिलते हैं मोदी का बयान की निंदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया एक बयान जारी किया ठीक उसके अगले दिन आई मे हैव ओवर है डिसीशन अटेंडेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू दसेंब्ली पोल्स इन गुजरात देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू डील विथ सच मैटर्स बट नो वन शुड यूज इम प्रॉपर लैंग्वेज और मेक इन डेकोरस इनसिनुएशंस इन एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज क्या आज के प्रधानमंत्री ऐसे बयान देते हैं जब उनकी पार्टी के नेता आक्रामक बयान देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तुरंत चुनाव नहीं कराने के फैसले के एक महीने के अंदर अगस्त में केंद्रीय सरकार ने अगस्त 19 को संविधान की आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया तीन पॉइंट रेफर कर दिए गए थे प्रेसिडेंट कलाम द्वारा सिंपली समझिए तो रेफरेंस ऐसे थे नंबर एक डज आर्टिकल 174 गेट इनटू अबेंस इन फेस ऑफ पावर्स ऑफ़ द ईसीआई अंडर आर्टिकल 324 रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस Of state assemblies. Number two, can the ECI frame a schedule for the elections that necessitate President's rule because of the lapse of six months period? Number three, is the Election Commission of India under a duty to carry out mandate of Article 174 of the Constitution by drawing upon? ऑल द रिक्वेजेट रिसोर्सिस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आम आदमी की भाषा में दो सवाल सबसे महत्वपूर्ण थे पहला क्या चुनाव आयोग के 324 के तहत पावर्स एक से कटेल होते हैं और दो क्या अगर छह महीने के अंदर चुनाव नहीं होता तो क्या गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू होगा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सारे पार्टी के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 28 अक्टूबर 2002 को दिया पांच जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के चुनाव आयोग के इस तर्क के पक्ष में फैसला सुनाया कि आर्टिकल 174 सेवेंटी भंग किए गए सदनों के लिए लागू नहीं होता है बेंच ने आर्टिकल 324 को चुनाव कराने के लिए सबसे अहम माना और इस तरह से चुनाव आयोग के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया चुनाव आयोग के पास जनवरी 19 2003 तक समय होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के ठीक एक घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव के डेट्स अनाउंस कर दिए 12 दिसंबर को चुनाव हुए और 15 दिसंबर 2002 को काउंटिंग हुई थी मोदी अक्टूबर के पहले चुनाव नहीं करवा सके लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेसिव पोलराइजेशन वाली अभियान के साथ चुनाव जीत लिया इस कैंपेन का उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया पॉलिटिकल कैंपेनिंग का एक नया टेम्पलेट मोदी ने 2002 में बनाया जो अभी भी यूज हो रहा है इतिहास के इस पन्ने के हीरोज चुनाव आयोग और कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट थे 20 साल बाद क्या हिंदुस्तान की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में यही कैपेसिटी आपको दिखती है सोचिएगा जरूर नमस्कार